फिर महाप्रभु अच्युतानंद ने लिखे हैं, जब जगन्नाथ जी क्षेत्र छेड़ोंगे कल्पवट शाखा छिड़ी पड़ी वो से काले, यानी जब भगवान कल्कि को 11 साल होगा उसी समय भगवान के कल्प वृक्षों, जिस कल्प वृक्षों को प्रलय जल में डूबता नहीं, यानी ये ब्रह्मलोक तक प्रलय जल में डूब जाता है पर कल्प वृक्ष डूबता ही नहीं, जिस कल्प वृक्ष में सुख पक्षी आश्रय लिए थे, जो सुखदेव ने भागवत लिखे हैं और भगवान ने अपना अंश शरीर से उस कल्प वृक्ष को आदि युग से तब सृष्टि किए थे, उसी कल्प वृक्ष का एक डाल यानी शाखा टूट पड़ेगा जब भगवान कल्कि को 11 साल होगा। बोलो प्रेम से, ये मालिका हरी हरी। तो मालिका की वाणी निराधार है और भगवान बताते जाते हैं, अच्युतानंद लिखते जाते हैं ऐसे हुआ है। इसको भला झूठ या हुआ नहीं होगा, होगा तर्क इसमें कैसे आता है? तो इसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में बहुत अन्याय अनित होगा। तो जगन्नाथ बोले, मनुष्य लोगों के पाप की वजह से मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ के फिर मानव रूप धारण करूँगा। नीलाचल रे मुहि नहरण बीर गरुड़ भक्त गरुड़ को बताते हैं, मैं जगन्नाथ क्षेत्र में नहीं रहूँगा और जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ के मैं मानव रूप धारण करूँगा और मानव रूप से मैं कल की लीला शुरू करूँगा। भविष्य मालिका प्रचार होगा, उसी समय भक्त लोग सभी एकत्रीकरण होंगे, चारों युग का भक्त, वो चारों युग भक्त ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, अजर अमर बन जाएंगे, फिर प्रभु का साथ मिलकर सारा ब्रह्मांड में सनातन को प्रतिष्ठा, यही ही भविष्य मालिका है। कितने दृढ़ता के साथ ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, नीला चौड़ो छाड़ी प्रभु पीतवासो, नीला चौड़ो छाड़ी प्रभु पीतवासो, मत्यरे जन्म लभिवे अवश्य, मत्यरे जन्म लभिवे अवश्य, बिंसरे अंक जीवन दिन, बिंसरे अंक जीवन दिन, हिंदु परे बिंदु उदे गमन, हिंदु परे बिंदु उदे गमन, हेमंत लक्षण देखी बुझेबे, हेमंत लक्षण देखी बुझेबे, प्रभु जन्म होइथिबे तेबे, प्रभु जन्म होइथिबे, बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले कल्कि भगवान की, बोले माधव राम की।